प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय शहीदी चौक से डीसी कार्यालय जम्मू तक एक मूक मार्च आयोजित किया और राज्यपाल को भेजे जाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। जुलूस का नेतृत्व महासचिव और प्रभारी जम्मू कश्मीर नगमा ने किया। जुलूस में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदु पवार, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ज्ञापन में भाजपा पीडीपी की गठबंधन वाली राज्य सरकार की विफलताओं पर प्रकाश डाला गया। ज्ञापन में राज्य सरकार पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति की रक्षा न कर पाने और कश्मीर घाटी में आतंकवाद से लड़ने वाले सुरक्षा बलों के आत्मविश्वास को बहाल न कर पाने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि पीड़ित सीमावर्ती निवासियों की विपत्तियों को कम करने के लिए सरकार को जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए। किसानों और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे भी ज्ञापन में उठाए गए। पाकिस्तान को जो करना है वो करे, हमारी दरख्वास्त पाकिस्तान से रहेगी कि वो ऐसा न करे, लेकिन सरकार क्यों विफल है? ये सरकार को जनता चुन के लेकर आई है, इसे लोगों से कैसे प्रोटेक्ट करना है, सरहद पार कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी सरकार की नीति है और ये नीति में उन्हें कामयाब होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को जो करना है तो वो करेगा। देखिए, कोई भी हिंसा का कदम कभी सही नहीं हो सकता। ये कदम जो भी हिंसा की तरफ जाता है वो गलत है, चाहे वो पत्थरबाज कर रहे हैं या स्टोन पेल्टर जो कर रहे हैं या फिर जो ये लोग मतलब उनको मार रहे हैं और एक बांध के ले जा रहे थे अपने जीप से, और ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कोई भी हिंसात्मक हरकत सही नहीं है, और अमन और शांति को किस तरह से बरकरार रखना है ये सरकार की नीति होनी चाहिए, और इस नीति में वो सफल होने चाहिए जो अभी नहीं हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, और उन्हीं के RSMP उन पर ये तोहमत लगा रहे हैं। पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को ये काम सौंपा गया है, पर जहाँ तक महिला कांग्रेस का काम है, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष भी बहुत यहाँ की कर्मठ है, यहाँ पर काफ़ी सालों से महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही हैं, काफ़ी सारी महिलाएं हमारी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, लेकिन ज़रूरत पड़े और हमें जो करना होगा वो हम अपने स्तर पर करेंगे। आज भी हम ज्ञापन लेकर DC के पास जा रहे हैं और उनको जितनी भी सरकार की विफलताएं हैं उस पर हमें क्या एक्शन चाहिए, उस पर हमें क्या कार्रवाई चाहिए, वो हम उनके पास ले जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, और उम्मीद है कि वो इस बात को ज़रूर उसका संज्ञान लेंगे और इसके बारे में कुछ करेंगे। लिटिल सीज फायर का इन्होंने ऐलान किया, इन्होंने शायद वहाँ से बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी तो इसको दूसरी पार्टियों को शेयर होल्डर क्यों बनाए? हम उम्मीद करते थे कि 16 मई से लेकर ये अगस्त फर्स्ट वीक तक चले, क्योंकि रमज़ान भी इसमें था और एक और मुतबरक यात्रा आ रही है, अमरनाथ यात्रा, शायद कहीं ना कहीं उसकी स्मूथ रनिंग के लिए इसका फ़ायदा होगा। मगर कल जिस तरह से इन्होंने विड्रावल का आर्डर किया, उसका मतलब है कि इस यूनिलेटरल सीज फायर ने उनके हिसाब से फ़ायदा तो नहीं दिया बल्कि नुकसान ज़्यादा सामने आए, और उसमें भी ये कोलिशन आपस में डिवाइडेड है। जहाँ तक हमें खबर है कि शायद इनका दूसरा कोलिशन पार्टनर विड्रावल के हक में नहीं था, तो अब इनके अगले कदम जो होंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के हैं, इस कोलिशन सरकार के खुद के हैं। कांग्रेस पार्टी को ना उन्होंने पहले ऑन बोर्ड लिया ना आज ऑन बोर्ड लिया है। हम तो इतना ही कहेंगे कि जो रियासत के हालात हैं बॉर्डरों से लेकर वैली के अंदर तक वो गंभीर है। शायद 70 साल में, खासकर 1990 में भी इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं हुए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं, जो आपके सामने भी हैं। और ऐसे में हम आज भी डिमांड करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट कोलिशन को क्या प्लान है, क्या सोचकर वो हुकूमतों में बैठे हैं, किस तरह से इस सिचुएशन को वो डील करना चाहते हैं, वो प्लान ज़रा शेयर करें, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी तरह नेगेटिव पार्टी नहीं है कि जो रोड़े अटकाए। हमने उनको पहले दिन से कहा, अगर आपके पास कोई बेहतर प्लान है सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। अगर आप लोगों ने हमारे प्रोग्रामों को सपोर्ट नहीं किया जब हम पावर में थे,
आप आग लगाने वालों में रहते थे, पर कम से कम कांग्रेस पार्टी वो रोल नहीं करेगी, क्योंकि ये देश का मामला है, हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, रियासत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हम उनको कॉपरेट करने के लिए तरह, बशर्ते कि वो मेन स्ट्रीम अपोजिशन के साथ, अपोजिशन पार्टीज के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।